Hello, good morning students. Today I am going to start comparison of decimals. कि दो decimals के numbers को हम किस तरह से comparison करते हैं, means हम कैसे पता लगाते हैं कि which one is greater and which one is smaller. तो like और unlike decimals के बारे में आपने पढ़ा था कि decimal के बाद number of digits हम अगर same कर दें तो वो unlike से like decimals बन जाते हैं. अगर मान लो हमारे पास कोई unlike decimals है तो unlike का मतलब आपको clear हो गया था ना last class में कि अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं जिनमें नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट, अलग अलग होते हैं. दो या तीन डेसिमल नंबर्स आपको दिए हुए हैं और उनके नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट, दे आर सेड टू बी अनलाइक डेसिमल्स. फॉर एग्जांपल 3.5, 9.16 एंड 7, ये तीन नंबर्स आपके पास सपोज हैं. तो इसमें आप देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद दो डिजिट है और यहाँ पर है ही नहीं. तो इसका मतलब ये हुआ दे आर अनलाइक डेसिमल्स. तो अनलाइक डेसिमल्स को सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइक में कन्वर्ट करते हैं. तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे वन डिजिट है, यहाँ दो डिजिट है, यहाँ है ही नहीं. तो मैक्सिमम क्या है, टू. मैक्सिमम कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, टू डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल मैक्सिमम अगर देखा जाए तो. तो हमें क्या करना है, तीनों में ही, तीनों नंबर्स में हमें डेसिमल के बाद दो डिजिट्स बना देनी है बाई यूजिंग जीरो. हम जीरो को यूज करेंगे. लेट अस सी हाउ. 3.5 can be written as 3.50. अब आप देखो डेसिमल के बाद दो डिजिट्स बन गए. ये तो 9.16 ही है, इसको तो हमें चेंज ही नहीं करना, इसमें डेसिमल के बाद दो ही है, इसको ऐसे लिख दो. नेक्स्ट है 7, जिसमें कि डेसिमल दिया ही नहीं हुआ, तो 7 को हम लिख सकते हैं 7.00. अब इसमें भी दो हो गए, इसमें भी दो हो गए, अब इसमें भी दो. तो ये हमारे पास अनलाइक थे तो हमने इनको क्या बना दिया, लाइक बना. ठीक है, ये तो हो गया हाउ टू मेक अनलाइक टू लाइक. आप अनलाइक से लाइक कैसे बनाओगे, ये तो ये हो गया हाउ टू कन्वर्ट एन अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. लेकिन अगर आपको कंपैरिजन करना है दो डेसिमल नंबर्स का और दोनों में आपको ये देखो, सपोज आपको दिया हुआ है 0.7 और दूसरा है 0.71. ठीक है, अब ये 0.7 डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ पर डेसिमल के बाद दो डिजिट है. तो ये कैसे हैं दोनों के दोनों, अनलाइक है. कैसे हैं ये, अनलाइक. तो सबसे पहले हम इनको क्या बनाएंगे, लाइक. लाइक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल शुड बी सेम. अगर इसमें दो है हम इसको दो कर सकते हैं, है ना. अगर इसमें एक है हम इसको एक कम तो नहीं कर सकते, जो मैक्सिमम तभी हम मैक्सिमम लेते हैं. ये मैक्सिमम है टू डिजिट्स तो हम इसको भी कर देंगे. तो ये हो जाएगा 0.70 और ये हो जाएगा 0.71. हमने ये जीरो को यूज कर लिया यहाँ पर और ये नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद कितनी हो गई, टू, और इसमें भी कितनी हो गई, टू. नाउ दे आर लाइक. अब ये कैसे हैं, लाइक. अब हम इनमें बता सकते हैं कौन सा डेसिमल बड़ा है और कौन सा छोटा. 7071 क्लियर है कि दिस वन इज ग्रेटर देन दिस. आई होप इट इज क्लियर. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, ये तीन एग्जांपल्स मैंने सामने बोर्ड पर लिखे हैं. आप देखिए इन तीनों को. फर्स्ट एग्जांपल में देखो, यहाँ पर डेसिमल के बाद टू डिजिट्स हैं और यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है. तो हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्यूशन करेंगे पहले ए का. तो इसको डेसिमल के बाद टू डिजिट्स है और यहाँ पर वन है, तो हमने इसको क्या करना है, डेसिमल के बाद टू डिजिट्स बनाना है. तो 0.15 को ऐसे ही रहने दो, ये तो दो ही है. यहाँ एक से हमें दो बनानी है तो 0.20 लगा देंगे आगे. ठीक है, होल नंबर पार्ट तो सेम ही है, 0.0 ही है. तो यहाँ पे 15 है, यहाँ 20 है, तो इसका मतलब दिस वन इज ग्रेटर. अब आ जाइए बी में. 7.1 था और उधर था 7.59. होल नंबर पार्ट दोनों में 7 है, होल नंबर पार्ट सेम है.
और डेसिमल पार्ट में यहाँ वन है और यहाँ पर फाइव नाइन है, दो डिजिट्स है, तो यहाँ डेसिमल पार्ट में हमारे पास एक डिजिट है, इसकी हम क्या बनाएंगे, दो बना देंगे जीरो लगा, तो 7.10 एंड 7.59। अब ये हो गए लाइक डेसिमल्स। अब इनमें हम पता लगा सकते हैं कौन सा बड़ा है, 59 बड़ा है 10 से, 10 छोटा है। सी में आ जाइए, सी में है 86.5 और उधर है 8.569। डेसिमल के बाद तीन डिजिट्स हैं और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो पहले तो आप इसकी तीन बना लो, ठीक है। अब आप देखो इसमें, वैसे डिजिट्स को अगर सेम नहीं भी करते तो भी आप होल नंबर पार्ट को देखो, होल नंबर पार्ट इज 86, होल नंबर पार्ट इज 8, होल नंबर पार्ट मतलब डेसिमल के पहले वाला नंबर वो है 86 और यहाँ डेसिमल के पहले वाला नंबर है 8। हमें होल नंबर पार्ट को देख के ही पता चल रहा है विच वन इज ग्रेटर, दिस नंबर इज ग्रेटर। अगर होल नंबर पार्ट सेम होते हैं, जैसे यहाँ 77 था, यहाँ 00 था, तो उसमें ज़रूरी हो जाता है लाइक में कन्वर्ट करके, आप बताओ। लेकिन आप अपना मेथड वैसे ही रखो, हमने भी उसको वैसे ही रखा है, डेसिमल के बाद तीन डिजिट्स बना दी, नाउ दे आर लाइक, लेकिन फिर भी हमें इसमें होल नंबर को देख के पता चल रहा था दैट दिस नंबर इज ग्रेटर दैन दिस नंबर, ठीक है। तो कंपैरिजन समझ में आया, ये कंपैरिजन जो है कि हम आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन जब करेंगे उसमें भी ये लाइक और अनलाइक वाला जो है हमें यूज करना है, मतलब ऐड जब करेंगे तो उसमें भी आप देखोगे कि अगर वो डेसिमल्स अनलाइक है तो उन्हें पहले लाइक बनाएंगे फिर ऐड करेंगे, सिमिलरली इन सब्ट्रैक्शन अगर अनलाइक डेसिमल्स हैं तो उन्हें पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे।